अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। बिहार का सहरसा जिला, आपको बता दें कोसी की बाढ़ और सुखाड़ दोनों से परेशान हैं लोग। बहरहाल जिले में बारिश की वजह से नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत सतौर चौक पर रेनगट बन गई है। रेनगट पहले छोटी थी लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के बाद वह धीरे धीरे काफ़ी बड़ी हो गई है, जिससे यातायात में असुविधा हो रही है, लोगों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रेन कट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह मुख्य मार्ग है तो कभी भी कोई भी अंधेरे में हादसा होने की संभावना प्रबल है। बता दें कि पहले छोटा रेन कट था, देखते ही देखते अब यह बड़ा हो चुका है। अब देखना लाजमी होगा कि आखिर तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, मुखिया, सरपंच इस रेन कट को कब भड़वाते हैं और कब इससे लोगों को मुक्त करते हैं। आम परेशानियों का सबब बन रहे यह रेनकट तमाम अधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का कारण क्यों है? ग्रामीणों ने कई बार पदाधिकारी को इसके बारे में सूचित भी किया है, जनप्रतिनिधियों को भी बताया है, लेकिन रेनकट भरने का कोई नाम ही नहीं ले रहे। बहरहाल इस रेनकट के वजह से यातायात बाधित है और इस बाधा को कैसे दूर किया जाए यह देखना बेहद जरूरी होगा। आपको बता दें कि रेनकट बड़ा होता जा रहा है, शाम के अंधेरा छाते ही दुर्घटना की संभावना प्रबल हो जाती है। अब इस रेनकोट को भरना बेहद जरूरी है और इसकी पहल कब और कैसे होती है यह देखना दिलचस्प होगा। सहरसा से जीतू कुमार की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखिए देश की बात सच के साथ। जनता के हक हकूक की लड़ाई हम यूं ही लड़ेंगे और आपके सामने उनकी समस्याओं को भी रखेंगे। आप शासन में हैं, आप सरकार में हैं, कुछ तो कीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, क्योंकि हम करते हैं देश की बात सच के साथ।